लिटरली हमने नहीं सोचा था कि पापा मानेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। तो एयर हॉस्टेस की कहानियाँ सुनने वाले लोग सब आ जाइए, जिस जिसको भेजना है ये वीडियो सबको भेज दीजिए, क्योंकि 80 out of 100 लाना पड़ेगा पासिंग मास्क। हमारे जैसे लोगों को बेइज्जती कर रहे हो क्या तुम दोनों, शादी के लिए तैयार हो? सो फाइनली द वेट इज ओवर, कैसे मेरे ड्रीम जॉब को अपना बनाया। इसके करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सारिका चौधरी एंड ही इज रवि चौधरी ब्लॉग। सो ही इज रवि चौधरी ओनली ब्लॉग्स, उनका ब्लॉग है। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फाइनली द वेट इज ओवर बिकॉज आपने बहुत सारे मैसेजेस किए मुझे, रोज रोज मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे, आप फोर्थ पार्ट कब लेके आओगे, फोर्थ पार्ट कब लेके आओगे। फाइनली आई एम, एक्चुअली वी आर हियर। तो बेसिकली इस पार्ट में हम अपने करियर से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अपनी नहीं, आई थिंक कि इसके करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाँ बेसिकली, क्योंकि जो लास्ट पार्ट था उसमें रवि की जॉब के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो चाहिए देखिए। आज की वीडियो में बताऊंगी मैं और मेरी जॉब में रवि का पार्ट क्या रहा, हमने कैसे मेरे ड्रीम जॉब को अपना बनाया। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। रवि वॉज सेटल्ड, हाँ उनका करियर जो है बिल्कुल सेट हो गया था। ही स्टार्टेड लविंग हिज जॉब, अपना करियर मतलब जॉब स्टार्ट किया एंड ही एक्चुअली वॉज एंजॉइंग हिज जॉब। बात आई मेरी, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम जयपुर एंड स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, जो कि मैं MBA सोचकर आई, घर पे गई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, घर पे गई, वापस आई, मैंने ये सोच कर, मुझे एक्चुअली आई वॉज नॉट कन्फर्म कि मुझे करना क्या है लाइफ में, बिकॉज यू नो वॉट, मुझे एक्चुअली 9 to 5 जॉब या फिर बैठ के ऑफिस वाला जॉब करना ही नहीं था, एक्चुअली कभी से नहीं करना था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आई वॉज एक्चुअली नॉट कन्फर्म इन माई माइंड ओनली कि मैं करना क्या चाहती हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मेरे बच्चे फ्यूचर, ये 9 to 5 वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो हमारे जैसे लोगों को बेइज्जती कर रहे हो? नो, बेइज्जती नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना। आई एम नॉट सेइंग कि जो कर रहे हैं वो गलत है, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे नहीं करनी थी। okay. मतलब इट्स लिटिल बोरिंग टू मी। तो जो मेरे फ्यूचर बच्चे हैं मैं उसके लिए बताती हूँ, इट्स ओके, इट्स जस्ट ओके, ठीक है। जब आपको कभी कुछ नहीं पता हो कि आपको क्या करना है, इट्स जस्ट नॉर्मल, यू जस्ट हैव टू, बस एक ही चीज़ करना है आपको, आप टाइम लो और अपना हर एक चीज़। मैंने बस ये गलती की कि मुझे बचपन से ही मुझे वो चीज़, खैर वो डिस्कशन नहीं करूँगी, वहाँ पे मुझे उतना वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोजर नहीं मिल पाया कि मैं अपनी चीज़ों को या फिर अपनी इंटरेस्ट को समझ पाऊँ। या एग्जैक्टली, और आई वॉज एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंट वाइल आई वॉज इन माई स्कूल, आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट इन माई कॉलेज, आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट कॉलेज में, मैंने जाते ही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की थी, मैं स्कूल के लेवल से ऊपर आई थी एंड देन धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गई। एंड नेवर, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नो वॉट, हाँ यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट यू लव टू डू। सो बेसिकली मेरा जॉब ऐसे स्टार्ट हुआ। तो एयर हॉस्टेस की कहानियाँ सुनने वाले लोग सब आ जाइए, जिस जिसको भेजना है ये वीडियो सबको भेज दीजिए, क्योंकि मैं अपनी एयर हॉस्टेस की स्टोरी बताने वाली हूँ। रवि इज़ गोइंग टू बी द पार्ट, ही इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो हुआ, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आप ये देख सकते हो कि हमारी लव स्टोरी में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो इसने फुल सपोर्ट किया मुझे और मैं सेटल हो गया। अब इसका पार्ट आ रहा था और ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो बताने जा रही, जो पूरा चेंज करने वाली थी सब कुछ। तो उस टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन रहा या घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, क्या रहा नहीं रहा, जिस वजह से वो आज ये यहाँ पे है, ये भी एक्सप्लेन करेगी। तो इस पार्ट को फोकस करना आप लोग। सो गाइज, हुआ ऐसा कि यू नो एयर हॉस्टेस वॉज समथिंग ऑलवेज इन माई माइंड, ठीक है, मेरे दिमाग में हमेशा ही, पता है क्यों, क्या बात होती है एक्चुअली, जब आपके आपको कुछ करना हो या आपको कुछ चाहिए हो ना, तो आपके दिमाग में जो आपको एक्चुअली करना होता है वो आपके माइंड में, आपके ख्यालों में, ख्वाबों में हमेशा रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए।
तो वैसे एयर हॉस्टेस वाली थिंग मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा से स्टक थी बचपन से ही. एंड वन इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर. बचपन में मेरे जो जो भी बड़े भैया थे, एक दो थे जो बाहर रहते थे, और मैं काफ़ी सबसे फैसिनेट हुआ करती थी क्योंकि सब लोग बाहर रहते थे और मेरा बहुत ही ज़्यादा आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट दिस यू नो अपने शहर से बाहर निकल के खुद के यू नो से सब कुछ खुद से सब कुछ करना. मेरा बड़ा इंटरेस्ट आता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है ये वो. इट वॉज अ बिग डील फॉर मी गाइज, लेट मी टेल यू, इट वॉज अ बिग डील फॉर मी. दिल्ली आना मेरा एक सपना था, इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी. सो मैं दिल्ली आ तो गई थी, मैंने जिद किया कि मुझे वापस जाना है दिल्ली. मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट करा और दिल्ली वापस आई मैंने जिद से. यहाँ करना क्या है वो मैं कन्फर्म नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो एम बी ए करते हैं. बट अगेन एम बी ए वॉज टफ. ठीक है, अच्छे कॉलेज से एम बी ए अगर आप करते हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं करते हो, करने को लोग कहीं से भी करके कहीं भी जा सकते हैं, बट एक यू नो लोगों का स्टेट ऑफ माइंड होता है कि अच्छे कॉलेज से ही करो अगर कर रहे हो तो. मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं, और ये रियलिटी भी है कि आप अगर नॉर्मल कॉलेज के लिए 20 लाख खर्च करते हो और उसके बाद 20,000-25,000 की जॉब भी जॉब से स्टार्ट करते हो, उसमें भी आपको बहुत काम करना पड़ता है. तो समथिंग वो सोचने वाली चीज़ है. अगर आप एम बी ए कर रहे हो तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, अच्छे कॉलेज से करो, अच्छे पैकेज लो और बहुत आगे जाओ. एग्जैक्टली, ऐसे टाइम वेस्ट है बस. एंड मैंने भी सोचा कि चलो गिव इट अ ट्राई, लेट्स डू इट, क्योंकि पापा का हमेशा से था कि गवर्नमेंट जॉब करें. गवर्नमेंट जॉब वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी बिकॉज एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एज वेल. जो कर नहीं सकती ये तो कोई बोल नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं बोल सकती क्योंकि कर तो मैं कुछ भी सकती हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं था. सो मैंने सोचा चलो ठीक है एम बी ए ही करते हैं, क्या पता एम बी ए में भी मैनेजमेंट करने के बाद मास्टर्स में मैनेजमेंट में मास्टर्स करने के बाद क्या पता मैं कुछ और भी कर सकूँ. मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, हमेशा पढ़ाई लिखाई से हट के कुछ यू नो जब क्रिएटिविटी वाली चीज़ होती है उसका बहुत शौक हमेशा से रहा है मुझे. तो मैंने इसी चीज़ को सोचते हुए कि चलो आगे इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेट्स कंप्लीट दिस एम बी ए वाला. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा कैट का. कैट इज़ वेरी टफ, उसकी मैथ्स अच्छी है बेसिकली उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बट मेरी मैथ्स वर्स्ट. आई नेवर स्टडीड मैथ्स के एग्जाम में मैं चीट करती थी बिकॉज मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं करती भी नहीं थी, मेरे को दिमाग लगाना नहीं पसंद है बेसिकली, मुझे दिमाग यूज़ करना नहीं पसंद है. इट्स वेरी फनी आई नो. ओके भाई, तो फिर भी मैंने सोचा चलो गंगा में डुबकी लगाते हैं, सब लोग लगा रहे हैं. तो पैसे मैंने थोड़े बहुत खर्च किए हैं पापा के, आई एम सो सॉरी पापा, बहुत खर्च करे मैंने पापा के इधर उधर से पैसे, लेकिन यू नो जब एंड ऑफ द डे में आप सही रास्ते पे हो और आपको आपका मंजिल थोड़ा बहुत भी दिखने लग जाता है और आप उसके लिए कुछ करने लग जाते हो ना, तो दैट्स ऑल वर्थ इट लेट मी टेल यू. ऐसे ही मैंने किसी दिन एम बी ए प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे पता था एक्चुअली यू नो वॉट क्लासेस स्टार्ट करना मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे पता था ये नहीं हो पाएगा मेरे से, इट्स नॉट फॉर मी, एक्चुअली हो ही नहीं पाएगा क्योंकि भाई जिसकी इतनी अच्छी मैथ्स थी, जो लोग बैठ बैठ के दिन रात एक मिनट में ऐसे सॉल्व करते थे, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और मैं ऐसे बैठ के बैठी रहती, इतना समझाने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे सॉल्व करूँ यार. मतलब 9th-10th के मैथ्स तो छोड़ो, यहाँ मतलब उतने हार्ड मुझे लगते थे वहाँ के, मैं कैट का एग्ज़ाम देने बैठी हूँ, सीरियस इट वाज लाइक नहीं हो पाएगा. थोड़ा बहुत टाइम पास कर रही थी मैं, कर रही थी, अचानक से एक दिन से मुझे कॉल आया. कॉल के बैकग्राउंड का जो है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ऐसे ही कॉल आया, मैं बैठी हुई थी ऐसे ही पढ़ रही थी, अब मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं लाइफ में क्या करूँगी. उस टाइम पता नहीं था मुझे, काश मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया होता उस. पर तुमने एमबीए के बहुत सारे वो तो निकाले थे ना कॉलेज वगैरह में, एडमिशन के लिए हो गया था ना? हो गया था डेफिनेटली, मैं आपको बताती हूँ. तो मैंने कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ मैट वैट सबके एग्जाम होते हैं, तो मैट वैट ईजी होता है कैट से, तो मैंने मैट के एग्जाम में एक दो निकाल लिए थे, एक दो तीन कॉलेजेस निकाल लिए थे, और इंटरव्यूज़ भी मैंने दे दिए थे और सेलेक्ट भी हो ही गई थी. बट वही होता ना, पैसे वैसे मांगते हैं वो लोग कि एडमिशन के लिए वो.
और मुझे MBA में इतना पैसा देने का एक्चुअली मन भी नहीं कर रहा था, ये भी बात थी। और मुझे दिमाग में कुछ और भी चल रहा था कि यार कुछ अच्छा जल्दी से मिल जाए ना अगर मेरे लायक, तो मैं कुछ वो कर लूँ। अचानक से एक दिन मुझे कॉल आ गया फ्रैंक फिन से, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, दैट मैम SSC आपने इंक्वायरी कर रखी है, SSC सेमिनार है नेक्स्ट डे, सो प्लीज़ कम विजिटर्स एंड विल लेट यू नो एवरीथिंग। तो आई वॉज लाइक कि जाना है नहीं जाना है पता नहीं, मैंने सोचा रवि एक बार जाकर देखती हूँ मैं कि कैसा होता है। तो उसने बोला ठीक है चले जाओ, है ना, ऐसा ही कुछ था। फिर मैं चली तो गई। मैं सेमिनार चल रहा था, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना हर चीज़ को गाइस, लाइक आपको ऐसे ऐसे मतलब मैं कहाँ कुकून में थी और ऐसा लग रहा था वाओ यही करना है। लिटरली सेमिनार देख के नहीं, उससे पहले बैकग्राउंड की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी, पहले ये सुनो। सेमिनार में जो भी उन्होंने दिखाया एवरीथिंग वॉज लाइक वाओ, मुझे यही करना है, यही करना है मुझे, एक्चुअली ऐसा फील आया वहीं बैठ के। फिर वो मुझे लेकर गई एक रूम में, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे, मैंने उनसे बताया कि आई एम इंटरेस्टेड, तो मुझे लेकर गई, उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया, आपकी हाइट क्या है, ये कैसे हुए। एक्चुअली दे वॉन्टेड मी टू गेट एडमिट देयर बट आई वॉज नॉट, बट तभी क्या सीन मुझे नहीं पता था, मैंने सुना सब कुछ, मैंने बोला ओके। जहाँ पे भी पैसे लगाने की बात आती है ना, मैं तुरंत बैक स्टेप लेती हूँ बिकॉज मुझे वो वर्थ नहीं लगता। जहाँ पे आपके काम को देखा जाता है कि हाँ जब आप काम देख रहे हो फिर जाके आपको पैसे मांगते हैं, तो मुझे लगता है हाँ चलो, जैसे इंटरव्यू दे के पैसे दे के ट्रेनिंग करना वॉज डिफरेंट, पहले वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। यहाँ पे दे स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर द मनी एंड ऑल, एडमिशन आप एडमिशन ले लो फिर ऐसे ऐसे कंपनी जाएंगे, यू विल गेट सेलेक्टेड एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है, टेक सम टाइम, उनका बस चले तो वो वहीं पे पैसे लेके वहीं आपको सेट करा दे, बट नो गाइज डोंट टेक दैट चांस, यू कैन ऑल्सो स्पीक इन बिटवीन। सो ऐसे रैंडमली मैं पहुँच गई और मैंने सब कुछ देख वेख लिया, सुन लिया, सब कुछ मैंने समझ लिया कि क्या एक्चुअली है। सबसे पहले मैंने निकलते ही रवि को कॉल किया, रवि दिस इज द थिंग, मुझे याद है वो कॉल, द एक्साइटमेंट, फुल एक्साइट, मुझे यही करना है, मुझे ये करना है, तुम बस हाँ बोल दो, मुझे यही करना है, ये बहुत बहुत मुझे सही लग रहा है, ये मेरे लायक है, मुझे अब इसी के लिए करना है, मुझे MBA नहीं करना है। मैंने कहा व्हाट, अभी तो कुछ दिन पहले अब बहुत सारे इंटरव्यू हो गए थे, एडमिशन लेने वाली थी, बेंगलोर जाने वाली थी, बेंगलोर कॉलेज में कहीं चल रहा था सब कुछ। मैंने क्या अब इतना दूर आने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, और ऐसे सरप्राइजेस मैंने बहुतों को हमेशा से दिया है, पापा को तुरंत में अचानक से डिसीजन चेंज वाली चीज़ जो है ना हमेशा से मेरा रहा है। एक कॉल किया और रवि को सब कुछ एक्सप्लेन किया, रवि ऐसे वैसे ये वो फलाना निमकाना, फिर रवि को सब कुछ ये भी बताया कि ऐसे ऐसे वो बता रही है कि इतने पैसे लगेंगे और एडमिशन भी होगा, बट मैंने उसी टाइम में मना कर दिया रवि को कि नहीं मैं यहाँ एडमिशन तो नहीं लूँगी। रवि ने बोला ठीक है, रवि ने ऑन द स्पॉट हाँ बोल दिया गाइस, रवि ने वही हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम अगर करना चाहती हो तो तुम यही कर लो। एंड आई वाज लाइक वाह, मतलब ऐसा हो गया मेरे लिए कि बस अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, हो गया ख़त्म। एक्चुअली इस जॉब के बारे में बहुत लोगों को गलत फहमियाँ हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये जॉब है क्या। आप अगर बोलोगे ना एयर होस्टेस, बोलते ये कौन होते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन था। घर पहुंची, मैंने पहले मम्मी को, मैं हमेशा पहले मम्मी को मनाती हूँ, मम्मी को मनाना इजी होता है, यू नो दैट। मम्मी को कॉल करा, मम्मा ऐसे 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 चीज़ें हैं एंड मुझे यही करना है, प्लीज़ मम्मी मुझे लगता है कि मैं यही कर पाऊँगी, इसके अलावा मेरे लिए यही जॉब बना है मम्मी, तुम्हें पता है ना। और मैं बचपन से हमेशा मैं मम्मी को स्पेशली मम्मी को पता है क्योंकि शी कैन रिलेट, कि बचपन में हमेशा मैं उनको बोलती थी मुझे मुंबई जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है। एंड उस टाइम में सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल लगता था गाइस, ऐसा लगता था यार क्या मैं बोल रही हूँ, मतलब क्यों बोल रही हूँ, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एंड कोई भी सुनती थी ना कि वो मुंबई गया है या वो यहाँ गया है, मैं बोलती थी वाह यार, मतलब
है ना यार, बिल्कुल अजीब सी मेरी स्टोरी। ऐसे जगह से हम आए हुए हैं ना, वहाँ पे दिल्ली आना, कहीं भी बाहर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लड़कों के लिए भी बड़ी होती है, लड़कियों के लिए तो खैर आप सोच ही नहीं सकते। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। और पर इन सब चीज में एक चीज बेस्ट पार्ट थी कि जो इनके मम्मी पापा हैं बहुत ही ओपन माइंडेड हैं और हमेशा बच्चों को सपोर्ट किया है, इन्होंने मना नहीं किया, वो ट्रस्ट करते हैं हमेशा। और जब भी जो भी चीज बताया, चाहे ये हो रॉबिन हो छोटी हो, उन्होंने कभी मना नहीं किया। पैसे लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, कहीं गलत भी लग रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, बस वो करते हैं, पैसे लग रहे हैं करो, अच्छा करो, तुम लोग को जो समझ में आ रहा है अच्छे से करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तो जो मेरे पास में मैं तुम लोग पे ही लगा रहा हूँ, बस ऐसे करके वो कभी मना नहीं करते थे और हर चीज़ में आगे बढ़ के अभी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है जो सही लगे करो, बस सब सही से रहो, बस इतना होता था। एग्जैक्टली। और किसी को भी एक्चुअली गाइस यू नो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जैसे ही आप मना करते हो ना, उनका ऐसे जो ऐसे खुला रहता है वो तो आधा तो ऐसे ही बंद हो जाता है जैसे ही आप मना कर दोगे, जैसे जिस पल में, क्योंकि फिर वो उतना बढ़ाने के लिए ना, ये इतना फैलाने के लिए जो ये कॉन्फिडेंस या फिर मन मर्जी जो भी कह लो, उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है और वो बहुत ही मुश्किल से बढ़ भी पाता है, लेकिन जैसे आपने मना किया वैसे ही वो आधा रास्ता बंद हो जाता है। मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीज़ों का, आप जो कुछ पूछ रहा है ना, कुछ करना चाह रहा है, तो आप उसको मना नहीं करो, उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, अगर उसके पास उसके आंसर्स हैं तो समझ लो कि वो कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को जानने के लिए। जैसे मैं पूछ लो कि हाँ तुम जाओगे, जॉब करोगे, सेटिस्फाइड हो, खुश रहने वाले हो, कितना अर्न करने वाले हो, तुमसे हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ के, तो एट द टाइम उसके कॉन्फिडेंस उन चीज़ों से पता लग जाता है कि हाँ ये कर सकते। मना मत लो, नहीं तुम नहीं करो, तुमसे नहीं होगा, तुम क्यों जा रहे हो उसमें, तुम्हारी लाइफ तो है ही नहीं कुछ भी, ऐसे नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन अराउंड पूछ के आप उसको जज कर सकते हो और थोड़ा सपोर्ट दे सकते हो। मम्मी को मनाना वॉज वेरी इजी। मम्मी को मनाया क्या, मम्मी को इन्फॉर्म किया कि मम्मा ऐसे ऐसे, मम्मी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये जॉब है जो यू नो मैं बचपन में आपको बताया करती थी कि ऐसे मुझे ये करना है वो करना है, तो मम्मी रिलेट कर पा रही थी, तो शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, बट क्या पापा मानेंगे, क्योंकि मम्मी को ऐसे था कि तुम MBA बोल के गई हो, तुम्हारे कॉलेज में सिलेक्शन भी हो चुका है ऑलरेडी, एडमिशन होने ही वाला है, वो इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो चुकी हो, अब जाके तुम अगर कुछ और के लिए बोल रही हो, और गाइस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं होता, फ्री में कुछ भी नहीं होता, और ये सिर्फ इंडिया में होता है। मैंने बोला पापा को, मम्मी मैं बात करके देखती हूँ पापा से, क्योंकि मुझे करना, मैंने पापा को कॉल किया, पापा आपसे एक बात करनी है, पापा ने बोला हाँ बोलो, मैंने पापा ऐसे ऐसे और गए थे, ऐसे ऐसे पता चला ऐसे जॉब है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, पापा बोले, पापा वॉज लाइक जो करना है करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, बस और कुछ भी नहीं, इतना ही बोला पापा ने, क्योंकि और क्या ही बोल सकते हैं लोग, है ना। एंड जब आप सामने वाले देख रहे हो कि वो बहुत यू नो, और मैं ज़िद्दी थी बचपन से, आई हैव बीन स्टबर्न, तो मेरे लिए फ़ायदा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी चीज़ों के लिए ज़िद्द करती हूँ, जो मुझे करना होता है तभी मैं कहीं पहुँच पाती हूँ। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, सब लोग मान चुके हैं, नाउ इट्स माई टाइम। एंड गाइज ऐसे ही बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो मैं सबका आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रही हूँ मैं। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कैसे डिसीजन लिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर टाइम आया, रवि वॉज टोटली बिजी इन हिज जॉब, जॉब में बिजी था, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं फुल टाइम घर पर रहती थी, तो मैंने बहुत सारी YouTube वीडियोस देख डाली। मुझे कन्फ्यूज़न था इसमें कि क्या ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दो तीन वीडियोस में मुझे क्लियर हो गया कि नहीं करनी है। फिर उन्होंने ये बोला क्लियरली, ऐसा होता है कि आपको जब चाहिए होता है ना एयर होस्टेस जॉब, देयर आर लॉट्स ऑफ पेज ऑन इंस्टाग्राम, देयर मेन वेबसाइट इज़ देयर वेर यू कैन लॉग इन करो, चेक करो, वैकेंसीज आती है, यूल गेट टू नो। एंड ऑल्सो आपको फर्स्ट, उस टाइम में कोरोना वोरोना नहीं था, उस टाइम में बस आपको जाके वॉकिंग इंटरव्यूज देनी है, वॉकिंग इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर होटल में वो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर लोकेशन, लाइक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ वहाँ जहाँ भी है, और उस पर्टिकुलर डेट पे बस आपको रेडी होकर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके
आपको वहाँ पहुँच जाना है एंड बाकी आगे की हर एक चीज़ इंटरव्यूज़ वहाँ पे आपको लेंगे, प्रोसेस सब कुछ बताएंगे, बस आपको वहाँ पहुँचना है, बाकी आपको कहीं किसी चीज़ में कोई भी एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, जस्ट वर्क ऑन इट. कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना लो, लॉजिकल आंसर्स ढूंढो कि क्या मतलब मीनिंगफुल आंसर मैं दे सकती हूँ क्वेश्चन. इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो आप, दैट्स इट. एंड मैंने भी यही स्टार्ट कर दिया, मैंने जहाँ पता चल गया कि नहीं मैं पैसे यहाँ पे पैसे मैं नहीं लगा रही हूँ, और मैंने क्लियरली बता दी कि यहाँ एडमिशन तो नहीं ले रही मैं, बट हाँ नाउ वॉट इज़ द सेकेंड थिंग वॉज दैट आई हैव टू स्टार्ट टू स्किल अप माई कम्युनिकेशन. उस टाइम में माई कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट गुड, मैंने भी इस पर वर्क किया है, फिर जाके आज मैं जहाँ भी हूँ और जहाँ भी हूँ उसकी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम किया है गाइस. इसीलिए आपको भी करना पड़ेगा, विदाउट कम्युनिकेशन दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, आई एम सो सॉरी. फिर मैंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना, बहुत सारी वीडियोस देखती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें करा, और उस टाइम ऐसा टाइम था ना जब जेट एयरवेज शट डाउन हुआ था और सारे जेट एयरवेज के क्रूज फैल गए इधर उधर. जो मैं इंटरव्यूज में आज सेलेक्ट हो जाती वो मैं 2-3 महीने के बाद सेलेक्ट हुई, ऐसा हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स देयर वर लॉट्स ऑफ क्रू, उनके हाथ में मलाई आ रही थी तो वो फ्रेशर्स को क्यों लेंगे ऑफकोर्स. उस बीच में ना आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत लड़खड़ाती है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था और बहुत वो हो रहा था कि लोग आसपास के लोग एक्चुअली क्योंकि एडमिशन का टाइम था, इसने डिसीजन ले लिया एडमिशन नहीं लेना, तो जो और लोग थे या सेशन था वो निकल रहा था, तो अब इसके पास में ऑप्शन ये था, या तो इस जॉब में जाए वरना एक साल बैठे, या फिर क्या करेगी नहीं करेगी. जी उसके बाद फिर मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा, 2-3 महीने की बात थी, मैं बैठी रही, मैंने प्रिपरेशन करती रही उसके टाइम में भी उस दौरान में, एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड. अगस्त महीना था जब मैं सेलेक्ट हुई थी, और देन सेप्टेम्बर में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, देन मेरी लाइफ बेस सेट हो गई, एंड उस जॉब में मैंने वो सारी चीज़ें की जो आई हैव बीन ड्रीम्ड ऑफ. तो यार मेरे सारे ड्रीम्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहला ड्रीम तो था मेरा कि एयर हॉस्टेस जॉब करना, तो वो मैं सेलेक्ट हुई. दूसरा मुंबई जाना, फर्स्ट टाइम में ही मेरा ये भी ड्रीम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग मेरी मुंबई में ही हुई थी, और वहाँ गई और बहुत इन्जॉय किया, ट्रेनिंग भी बहुत इन्जॉय की. उसके बाद आई स्टार्टेड माई जॉब इन 2020 फेब्रवरी. इस ट्रेनिंग वाले पॉइंट में इसने एक चीज़ मिस कर दिया थोड़ी जल्दी में, इसे 3-4 दोस्त भी मिले, फ्रेंड मिले, जो भी फॉरएवर फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, दे आर द बेस्ट, मतलब आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था जब ये मुंबई में रह रहे थे. मुंबई जैसे शहर, छोटे से जगह पे रहना, वहाँ पे बहुत रोज़ जाना, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, रोज़ कॉल करती थी, तो उन चीज़ों का जो कोप अप था ना, वो इन चार फ्रेंड ने मिलके किया सब कुछ. बहुत ज़्यादा गाइस उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, मतलब उसकी कहानी मैं क्या बताऊँ, उसकी कहानी बताने लग जाऊँगी तो 3 महीने बहुत लंबे पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक दिन स्ट्रगल भरा हुआ था और इट वॉज वेरी हार्ड, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत करनी पड़ती है. इट्स नॉट अ, मैं सबको बता दूँ एस्पिरेंट जो भी एयर कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं, इट्स अ टफ जॉब गाइस, और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 3 महीने, 80 out of 100 लाना पड़ेगा पासिंग मार्क्स. आपको 80 लाना पड़ेगा 100 में से पास होने के लिए, एंड इट्स वेरी टफ. सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रगल फुल डेज जो भी था, और फिर हमने बहुत मस्ती भी की, और वो दिन आप भूलोगे भी नहीं, ऐसा भी था हमारे साथ. सो फाइनली यो वी कम, देन आई स्टार्टेड माई जॉब एंड इन फेब्रवरी मैंने फुल ऑन मस्त फ्लाई किया है, 90 hours फ्लाई किया मैंने अपने बैच में, सबसे ज़्यादा फ्लाई किया था उस मंथ में. एंड देन आई वेंट टू बैंकॉक, टर्न अराउंड फ्लाइट थी, बट स्टिल that was my first international flight, so it was very special to me. And then I went to Phuket was my first international layover, and I was damn happy.
एंड लखनऊ वॉज माई फर्स्ट नेशनल लेवल, आई मीन डोमेस्टिक लेवल. तो या इट वॉज वेरी नाइस मजे. और दुबई में भी जाके इसने बहुत फन किया, उसकी ब्लॉग भी पढ़ी इसी चैनल पे आपने. yes, बहुत सारे लेवल्स की ब्लॉग पढ़े, आप देख सकते हो हमने कितना फन किया है. एंड गाइस, जब आप फुकेट गए थे तब हम यूट्यूब नहीं कर रहे थे ना, नहीं इसलिए कवर नहीं है. बेस्ट पार्ट ये भी होता है अपने चैनल पे आने का. यस गाइस, अगर मैं पलटा पलटा के देखती हूँ ना कुछ महीनों की वीडियोस, तो इट्स लाइक कि वाओ. तो इसलिए ब्लॉगिंग, आई लव यू. तो गाइस, ऐसी रही मेरी जर्नी. एंड देन आई केम बैक टू, हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने बहुत बहुत मिन्नतें से दिल्ली बेस पाया. वो भी मुश्किल होता है, दिल्ली बेस इन द सेंस कि आप दिल्ली से रह कर ही फ्लाई करते हो. वो भी डिफरेंट सिटीज में बेसिस होते हैं हर एयरलाइन के. और मैंने हमने हम चारों फ्रेंड ने बहुत ही मुश्किल से दिल्ली लिया. सो यो वी केम बैक एंड देन स्टार्टेड आवर जर्नी. सो रवि वॉज सेटल्ड, आई वॉज सेटल्ड, हम दोनों सेटल्ड थे. देन अ कॉल केम, जब मैं थाईलैंड जाने वाली थी उसी दिन मेरा लेवर था फुकेट में, मम्मा का कॉल आया. ही वॉज शी वॉज लाइक, क्या तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? मतलब इन शॉर्ट ऐसा ही कुछ था उनका कॉल. अब मैंने सोचा वाह व्हाट अ टॉपिक, क्या टॉपिक खुला. और मैं जाने वाली हूँ लेवर के लिए वहाँ पे, और मैं आने वाली थी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे. तो मेरे मन में बहुत वो हो रहा था. और नेक्स्ट डे मैं जैसे वापस आई, मैंने रवि से पूछा क्या क्या बात हुई. वो तो बेसिकली शादी की बात स्टार्ट हो चुकी थी. मम्मी पापा एवरी वन वॉज अग्री एंड मम्मी वॉज लाइक कि मैंने पापा को बता दिया है एंड ही इज रेडी. वाओ, इट वॉज अ डे, मतलब हमारे लिए इतनी प्यारी डे थी ना वो. मतलब हमने कभी सोचा नहीं था गाइस, लिटरली हमने नहीं सोचा था कि पापा मानेंगे. लेकिन थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू. थैंक यू बोलो पापा को. थैंक यू सो मच. पापा, मम्मी, मेरे फैमिली के सब लोग और सब इनके फैमिली में तो सबको पता था, लेकिन पापा को, मेरे लिए पापा को मनाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था. हम बैठ के एक्चुअली डिस्कस भी करते थे कि यार कैसे क्या बातें करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे. हम प्लानिंग कर देते पता है कि ना ऐसे ऐसे होगा और तुम आना और फिर तुम बताना और दोनों मिलके बातें करेंगे पापा से. और फिर डर जाते थे यार अगर उन्होंने नहीं बोल दिया या कुछ और बोल दिया तो. मेरे एंड से देखो वो मानना तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज वाली बात थी, बहुत बड़ी बात थी. पर उससे पहले मैं मतलब इन सबसे ऊपर मैं थैंक यू करना चाहूँगा गॉड को कि जो परफेक्ट टाइम था उस टाइम तक मैं अच्छे से सेटल हो गया था. सब चीज़ हमारे अराउंड चल रही थी उस टाइम पे, मैं सेटल था, अच्छी खासी जॉब हो रही थी, काम कर रहा था, सब कुछ दिख रहा था कि लड़का सेटल हो चुका है. जैसे भी है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है. तो अब क्या फोन करना पड़ेगा. तो सही था और मेरे जॉब में भी सही चल रहा था. मेरे जितने सीनियर थे जो थे सबने बहुत सपोर्ट किया, सबने तो बहुत ही सही तरीके से मैं सेटल हो चुका था. और उधर से ही कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत है कैसे क्या है. मैं तो सोचा कि मैं तो बैठा पड़ा था, मैं सोच रहा था बात करूँ.